बार जल्दबाजी में आप गलत ईमेल आईडी पर अपना मेल भेज देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको इस चीज का एहसास होता है। उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप उस मेल आईडी को फिर से वापस ला सके, यानी कि उस मेल में जो भी डिटेल है आप वापस ला सके। नमस्कार, मैं जोइता भट्टाचार्य, लोकमत न्यूज हिंदी की टेक्शाला में स्वागत है आपका। आज हम आपको उस फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि गूगल के पास पहले से मौजूद है। हालांकि इस फीचर की जानकारी सभी के पास नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको उस फीचर के बारे में पूरी स्टेप बाय स्टेप डिटेल देने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो फीचर और क्या है वो ट्रिक। सबसे पहले अपने पीसी में या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर जीमेल को ओपन कर लें। अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको दाईं ओर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर फिर से हम सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सेटिंग ऑप्शन में आपको जनरल, लेबल, इनबॉक्स, अकाउंट एंड इम्पोर्ट, फिल्टर्स एंड ब्लॉक्स, एड्रेस करके कई ऑप्शन दिखते हैं, लेकिन हमें जाना है जनरल के ऑप्शन पर। जनरल ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन फिर से नज़र आएंगे, लैंग्वेज, फ़ोन नंबर, मैक्सिमम पेज साइज, अंडू सेंड, ये सारी चीज़ें। हमें जाना है अंडू सेंड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडू सेंड करके एक ऑप्शन है। सेंड कैंसिलेशन पीरियड, यहाँ पर आपके अकाउंट में अगर 5, 10, 20, 30 में से कोई भी ऑप्शन क्लिक किया हो तो 30 सेकेंड्स को क्लिक करें। इसके बाद नीचे आएँ, स्क्रॉल करके नीचे आएँ और यहाँ पर सेव एंड चेंजेस ऑप्शन को क्लिक करें। सेव चेंजेस के बाद यहाँ पर आप जब भी किसी को मेल करते हैं आपको मेल करने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज सेंड, अंडू और व्यू मैसेज दिख के दो ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर अंडू ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं और गलत ईमेल आईडी पर आप मेल जाने से रोकना चाहते हैं तो ये मेल आपके पास फिर से वापस आ जाएगा। इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम रहेगा। ये ध्यान रहे कि 30 सेकंड के अंदर अंदर ही आपको ये मैसेज अंडू ऑप्शन का यूज़ करना है। अदरवाइज अगर आप 3 सेकंड के या 30 सेकंड के बाद इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो ये मेल दूसरे तक पहुँच जाती है। तो इस ऑप्शन को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि आपको कहाँ पर मिलेगा। सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं, सेटिंग के फिर से सेटिंग क्लिक करते हैं और यहाँ पर जनरल ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको अंडू सेंड करके एक ऑप्शन मिलेगा। सेंड कैंसिलेशन पीरियड 30 सेकेंड का आपको सेलेक्ट करना है और फिर नीचे आके यहाँ पर सेव एंड चेंजेस करने हैं। यहाँ पर हालांकि मेरा पहले से सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर सेव चेंजेस करने के बाद यहाँ पर सेव चेंजेस हाईलाइट हो जाते हैं और आपको वो फिर से फीचर आपके जीमेल में एक्टिवेट हो जाता है। तो आज का हमारा ये था टेक्शाला का टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ हमारे लोकमत के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेक जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज.in के साथ।